का क्या नाम है आपको? मैडम जी से किसी की पहचान नहीं होती है, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैडम माइक में हेलो एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं आप सभी के लिए धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर अनेकता में एकता है। और मोदी जी के लिए इस बात के लिए संदेश दूंगा कि मोदी जी आप जनता से, भारत की जनता से माफी मांगे कि आपने जो कहा था कपड़ों से पहचान लेता हूँ, तो इस बात के लिए माफी मांगे, आप कपड़ों से किसी को नहीं पहचान सकते। ये सुल्तान शेख साहब हैं और मैं संत युवराज हूं, क्या टोपी पहनने से मेरी हैसियत घट गई क्या? टोपी पहनने से क्या मैं हिंदू नहीं रहा? और सुल्तान शेख आज यदि पगड़ी पहन लेते हैं तो क्या वो मुसलमान नहीं रहे? मैं कहूँगा कपड़ों से कोई पहचान नहीं होती है, हम सब भारतीय हैं, केवल इतनी पहचान बहुत जरूरी है, बहुत है। इससे ज्यादा पहचान की कोई जरूरत नहीं है, इतनी पहचान बहुत है कि हम सब भारतीय हैं। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। शांति का वचन जो आप बहन आई हैं, आपका नाम कोई बता सकता है? पहचान पा रहे हो क्या? अरे पंडित जी क्या कर रहे, घी डलवाओ उनसे यार। 2000 रुपए, 2000 रुपए का 250 ग्राम मशरूम खाने से ज्यादा कल नहीं आती। हेलो मोदी जी, दो वक्त की रोटी टाइम से मिलती रहे। हेलो
हमारे बहन आए हैं, सांझे का संदेश लेके आए हैं, वो पढ़ेंगे, आप सभी सुनेंगे। आप शांति बनाए यहाँ पे, और जो खड़े हैं आपसे रिक्वेस्ट है, जो रास्ता जो खड़ा हुआ है आप जैसे रास्ता खाली करना है, सभी अपने अपने जगह बैठ जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। कौन सी मैडम पढ़ेंगे? आप शांति बनाए, ये प्रोग्राम शाम तक चलेगा, तो आप शांति बना के अपने अपने जगह में बैठ जाए खामोशी से, और जो पंडित जी जो भजन करेंगे वो यहाँ अपने जगह ले लें। आप जो हमारे गेस्ट आए हैं उसे बैठने के लिए मौका दें, आप उसे बैठने का जगह बनाए। आप मैडम थोड़ा सा इधर हो, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, धन्य है वे जो दयावान है क्योंकि उन पर ही दया की जाएगी, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को लाएंगे, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करे, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आपके वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत ही धन्यवाद हो, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है, जो रास्ते में खड़ी हैं आप पहले रास्ता पहला या तो बैठ जाएं या तो खाली कर दें, आप या तो आप बैठ जाएं या तो पहले खाली कर दें, बस दो रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कैदिंग हो रहा है, हमारे जो गेस्ट है वो गेस्ट नहीं आ पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, आप ये रास्ता प्लीज़ खाली कीजिए, पहले प्लीज थोड़ा सा खाली करते हैं, आप बैठ जाए, अभी कार्यक्रम बहुत चलेगा। जो भजन के लिए पंडित जी आए कहाँ, अपना वो लेके आ जाए, भजन के लिए जो पंडित जी आए कहाँ हैं, आप अंदर आए, उन्हें आने का मौका दें, उनका सारा सामान लेके अंदर आए, आप जगह थोड़ा खाली कर दीजिए, आपसे यहाँ से जगह थोड़ा खाली कीजिए आप प्लीज, बेटा बेटा अभी कार्यक्रम बहुत चलेगा, थोड़ा वक्त है तो आप शांति बनाए, सब चलेगा। थोड़ा पीछे आप बताइएगा प्लीज, थोड़ा पीछे, थोड़ा जगह खाली रखिए, क्योंकि जो गेस्ट हैं वो पता खड़े हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, अरे साइड बैठाएंगे गेस्ट को, अपोजिट हो जाएगा दादा, आइए आ जाओ पंडित जी, जल्दी निकलो मैडम। अच्छा, जो बच्चे नरगिस और इकबाल, उसके जो पेरेंट्स जो यहाँ पे विवाह स्टेज पे आ जाएं, आपके बच्चे यहाँ मौजूद हैं। हमारे स्कूल में ये दो बच्चे जो जिनवाने छोड़े थे, नरगिस और इकबाल, जो स्कूल हमें
हाँ आप भजन स्टार्ट कीजिए आप पंडित जी बैठे आप पंडित जी भी उल्टी साइड बैठ गए और एक चीज ख्याल करें जिसके पास में कुरान शरीफ है उसकी गैर भी ना हो तो उसे आप अगर जहाँ भी हो जिसके पास में उसका ख्याल रखें आप भाई आप क्या यहाँ से कवर करोगे हाँ कवर करोगे यहाँ क्यों घुस रहे हो लेडीज पीछे रहो ना जा रहा हूँ अरे देख रहे पीछे से देख लो यार हद हो गया एक तो फ्रेम हो रहा हमारा ग्राहक बात नहीं करो देख अरे दादा यार ये इसमें बोला मैं भी पहले सुना Bye.
यार खाली जगह कहते हैं कि शराब पीने वाले पहले बोतल घोलाया करते हैं, शराब पीने वाले पहले बोतल घोलाया करते हैं, इस देश पर मर मिटने वाले हमेशा मुस्कुराया करते हैं। हमारे भाई जी ने देशभक्ति का एक भजन सुनाया आपको। प्यारे बहन और भाइयों, मैं बार बार आपसे बात ही कहना चाहूंगा, हम यहाँ पर वास्तव में किसी जाति विशेष की चर्चा ना करें। हम यहाँ पर क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई नीचा नहीं होता ना कोई ऊंचा होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है। अगर व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले ले और काम निष्ठा के करता है, घटिया करता है, तो वो लोग समाज में उसको सब झूठे मारते नहीं मारते। इसलिए अगर छोटे कुल में भी जन्म लेकर के अच्छे कार्य करता है, देश की उन्नति के बारे में सोचता है, माताओं बहनों की इज्जत करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, वही व्यक्ति महान होता है। इस देश की शांति प्रियता में देखो, यहाँ पर चित्र लगे हैं पंडित राम प्रसाद कृष्ण जी का। वो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने देश की लड़ाई में काम किया, बलिदान दे दिया। और अपने भाई यहाँ पर सिख समुदाय के बैठे हैं, भले ही वह अपना नाम सुल्तान अली बताए, कोई बात नहीं, क्योंकि नाम तो हम अपना अपने भाइयों में जो मर्जी रख सकते हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ अपने भाई जी को कि आपने एक सरदार भगत सिंह ने पूरे देश एक तरफ था, ध्यान देना, और वह सरदार भगत सिंह एक तरफ था। भगत सिंह ने सोचा था कि आज अगर मैं घुटने देखता हूँ, अंग्रेजों के सामने अपने घुटने देख देता हूँ, तो पूरा देश उत्साह से हिल हो जाएगा और देश के अंदर फिर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, आजादी नहीं मिलेगी। और वही बलिदान भगत सिंह का काम आया। उसने कहा कि मुझे फांसी चाहिए, और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। और उस बलिदान ने, भगत सिंह के बलिदान
इस देश के लिए मर मिट जाएगा और यही बलिदान यही जज्बा इस देश की धरती के लिए काम आया। आज हम यहाँ पर स्वच्छता के साथ में आजादी के साथ में हम सब लोग एकत्रित बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं। ये वीर सपूतों की देन है जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। बहनों भाइयों, आप यहाँ से जब उठ करके जाएंगे, यहाँ से आप संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम आपस में भाईचारे के साथ ले जिएंगे। हमारी कुछ बहनें या भाई कभी कुछ बात कर देते हैं राजनीति वाली, वो दिवाली बात। यहाँ हम इसलिए नहीं आए, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि पार्टी जितनी भी है सारी की सारी पार्टियां गद्दार पार्टियां हैं, हमसे कहती कुछ है और करती कुछ है, लेकिन याद रखना ये सारे के सारे नेता हमसे है। ये जितने भी नेता ये हमसे है, हमने इनको बनाया है, इनके ऊपर शासन हमारा होना चाहिए। अगर हमारी भावनाओं को ये नेता तो हम उनका भी स्वागत